पहले से उनको पता है, नीतीश कुमार जी को आप कम से जानते हैं, ये तो पहले से उनको पता था कि ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि संवैधानिक तौर पे इसका अधिकार ही नहीं है। लोग बरगला रहे थे जनता को, बिल्कुल ये तो भरमाया जा रहा था बार बार। नीतीश कुमार का काम ही क्या है इधर से उधर करके कुर्सी पे बने रहना। बस अभी दुर्भाग्य है ना कि बिहार के नेताओं का कि जाके ऐसे लोगों के गोदी में बैठ जाते हैं जो भरे मन से आके गांधी मैदान में, कितना बिहार को पैकेज दे, 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, किसी की सरकार किसी के साथ बन जाए तो किंग मेकर हो जाएंगे। मोदी जी जैसे व्यक्तित्व अवतारी पुरुष अपने आप को कहते हैं, जब उन्होंने नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं जी, भी एक टाइम पे केंद्र में भी थे, बिहार में भी थे, उस समय भी कहाँ हुआ, ये तो मतलब बोलने वाली बात है। आज भी तो ऐसे ही चलता ही है, जनता को बेवकूफ बना कर, बस जनता को बेवकूफ बनाना, अपना काम सीधा करना है। जहाँ मिले कि नहीं मिले, यहाँ कोई भी नेता है किसी पार्टी का नेता है, पावर मिलते मिलते अपने औकात में आ जाए। बिहार की जनता को जिसने आया है सब कोई लूटा है। कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी ने कहा था कि कितना भी पत्थर पे सर पटक लीजिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, लेकिन उनको लेकर के तमाम तरह की मिमिक्री बन रही थी, और खास करके जदयू के जो नेता थे और भाजपा के जो नेता थे वो कह रहे थे कि ये बड़बोलेपन ही ऐसे ही बोलते रहते हैं, असल में इनके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज आपको बता दें कि ये क्लियर हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलने वाला है, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री कितना भी सर पटक ले रगड़ ले कुछ नहीं होने वाला है। जनता के पीछे जनता से जानते हैं कि क्या अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब तो नीतीश कुमार कम से कम इस्तीफा दे दीजिए। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। किस आधार पर? लॉलीपॉप उन्हीं को न मिला था, लॉलीपॉप उन्हीं को न मिला था विशेष राज दर्जा का, तो विशेष राज का दर्जा कर अगर पुराने मांग है लेकिन नहीं मिला। बिहार इतना सौतेलापन करेंगे बिहार के साथ, 70% आईएएस देते हैं, 70% आईएएस देते हैं, इससे ज्यादा मजदूर हम देते हैं। अभी दुर्भाग्य है ना कि बिहार के नेताओं का कि जाके ऐसे लोगों के गोदी में बैठ जाते हैं जो भरे मन से आके गांधी मैदान में, कितना बिहार को पैकेज दे, 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ कहां जाता भाई? दिया 125 करोड़, कहां दिया, कहां दिया? आज तक जो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे पाया वो बिहार को पैकेज देगा? नहीं, बिहार को पैकेज देगा? अरे तो लालू यादव पर भी तो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ना कि वो भी एक समय किंग मेकर थे, तो वो भी क्यों नहीं दिलवा पाए विशेष राज का दर्जा? कौन बोल देता है किंग मेकर थे? देवगढ़ा की सरकार बने थे किंग मेकर, कौन बोलता है? किसी की सरकार किसी के साथ बन जाए तो किंग मेकर हो जाएंगे, किसी के साथ तो सरकार किंग मेकर घूम रहा था ना उस टाइम बंद करके। उन्होंने मांग किसने की थी? लालू यादव राबड़ी देवी ने, उन्हीं के परिवार ने, उन्होंने संघर्ष भी किया, उनकी सरकार चली गई, माना कि हम नहीं ले पाए। आप क्या किए 17 साल में? 4 से 14 तक थे ना, आप क्या किए? माना कि हम नहीं संघर्ष किए, हम नहीं ले पाए। गलत आप भी है ना? ऐसे गलत है, हमारी सरकार चली गई, 4 से 14 में आप नहीं ले पाए। आज हम आईएएस ऑफिसर बन के आए, कोई करे मुद्दे पे एक्शन ले और अगले दिन हम आईएएस ऑफिसर नहीं रहे, तो हमारी गलती है, हमने तो सिस्टम के साथ रहा, सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम के लिए लड़ा। 10 साल आप सरकार में थे 2003 के बाद 4 से लेकर 14 तक, उसके बाद भी आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। उसी टाइम जो है लालू प्रसाद जी जो रेल मंत्री भी थे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला पाए, तो गलती तो लालू यादव का भी है ना। 10 साल तो मोदी जी भी केंद्र में रहे, वो भी तो कहे कि मुझे एक मौका और मिलना चाहिए। जब मोदी जी जैसे व्यक्तित्व अवतारी पुरुष अपने आप को कहते हैं, जब उन्हें नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं संभल रहा क्या कहिएगा, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा क्या? एकदम सही से चल रहा है बिहार, देश भी सही से चल रहा है, नहीं संभल रहा है बिहार, उनका अपना पर्सनल थॉट है। अच्छा, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लगातार लोग चिल्ला रहे थे, नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे लेके रहेंगे, लेकिन अब तो ठुकरा दिया गया, अब तो नहीं मिलने वाला। ये तो कोई भी सरकार आएगा इतना कोई इजी है नहीं कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लालू जी भी एक टाइम पे केंद्र में भी थे, बिहार में भी थे, उस समय भी कहां हुआ, ये तो मतलब बोलने वाली बात है। बिहार की जनता को इतने सालों से यानी कि ये लोग बरगला रहे थे, एकदम अभी बरगला रहे हैं, आगे भी बरगला रहेंगे। यानी नीतीश कुमार ने भी तो बरगलाया ना, लालू यादव ने भी बरगलाया। देखिए राजनीति यही ऐसे ही चलता ही है, ठीक है, राजनीति ऐसे ही चलता ही है, जनता को बेवकूफ बना कर, बस जनता को बेवकूफ बनाना, अपना काम सीधा करना है। जनता को बेवकूफ बनाना, अपना काम सीधा करना, सीधा करना है। क्या कहिएगा चाचा, क्या कहिएगा, क्या बोलेंगे? विशेष राज का दर्जा तब नहीं मिलेगा बिहार को, खत्म कहानी। तो नीतीश कुमार इतना दिन से क्या कह रहे थे कि लेके रहेंगे लेके रहेंगे, तुगाबूत को उतारना पड़ेगा तब भी नहीं होगा, कुर्सी पर से उतारना होगा उसको, किसको? नीतीश को, तब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दीजिएगा, तब अभी तो उसी का ही करेंगे, उतरेंगे। देखिए एक ठूस उतरेगा कि सब समाज उतारेंगे, सब समाज उतारेंगे। चलिए और लोग से लगातार विशेष राज के दर्जे की मांग हो रही थी, लेकिन अब जो है आज क्लियर हो गया, उसको ठुकरा दिया गया, अब बिहार को विशेष राज का दर्जा नहीं मिलने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए।
दर्जा मिले कि नहीं मिले, यहाँ कोई भी नेता है, किसी पार्टी का नेता है, पावर मिलते मिलते अपने औकात में आ जाते हैं, अपने औकात में आते हैं। ये दर्जा नहीं मिलने वाला था तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं, क्लियर हो ही गया, क्लियर कोई है जाए, कोई सरकार अबे दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये बताइए नीतीश कुमार इतने से बरगला रहे थे झूठ, कोई बरगला हम कोई नेता को नहीं बता रहे हैं, सब सरकार जो अपने पावर में आता है वो नशा में चूर हो जाता है, नशा में चूर, कहना करना चाहिए कुछ और करते हैं कुछ और, चाहे वो कोई सरकार हो, जनता के हित में काम नहीं होता, कोई नहीं, जनता तो सड़क पे दर दर भटक रहा है, कौन देखने वाला है जनता क्या खाया नहीं खाया, क्या पिया नहीं पिया, अरे क्या खाया, नरेंद्र मोदी दे रहा राशन जी कर, क्या राशन देने से कहोगा, एक 5 किलो चावल देते हैं और 19 किलो खर्च है महीने का, अरे तो 80 करोड़ लोग को दे रहे, 85 करोड़ लोग को दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग का पेट नहीं भर रहा है उसमें, नहीं भर रहा, 1.5 करोड़ नहीं भरता है, 80 करोड़ सब गरीब खुश है, हाँ पूरा खुश है, पूरा खुश है, खुश है ना, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, इसके बाद उज्ज्वला योजना मिला, तो सब खुशी का बात है ना, खुशी का बात है, प्यार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर जिस तरीके से आज मांग को ठुकरा दिया गया, नहीं मिलना चाहिए, जरूरी है, और सरकार जो है, मतलब मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार पावर में आती है अपना काम करती है, कहते हैं ना कि हर एक चीज़ किसी को पसंद नहीं आती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ये है सर कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोगों की मांग सरकार से यही होती है, चाहे कोई भी आए, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो जो भी आए, हम लोगों की बस यही मांग होती है कि परीक्षा जो है वो बहुत ही सभ्य तरीके से किया जाए, ताकि लेकिन ये बताइए नीतीश कुमार लगातार ये मांग उठा रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है, लेकिन आज जो है केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलने वाला, चाहे कितना भी चिल्ला लीजिए, देखिए बिहार मतलब तो कहीं कहीं बरगला रहे थे जनता को, नहीं बिहार को मैं मानता हूँ कि सिर्फ सरकार या कैबिनेट से ही जो है सिर्फ चीज़ें नहीं बनती हैं, हम लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, बिहार की जितनी जनता है उन लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा, बिहार की जनता को स्मार्ट होना पड़ेगा, क्या कहिएगा, बिहार की जनता को जिसने आया है सब कोई लूटा है, इसको यहाँ से केवल जो 39 को सांसद है वो चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, इसके अलावा बिहार को कांग्रेस भी ठगा है, केवल उसको सांसद यहाँ से जीत कर चाहिए, 40 लगातार नारा दे रहे थे कि हमारा विशेष राज्य का मांग जो है ये अधिकार है, लेकिन आज ठुकरा दिया गया, अब नहीं मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा, चाहे कितना भी रगड़ लीजिए, ये तो पहले से उनको पता है, नीतीश कुमार जी को आप कम से जानते हैं, ये तो पहले से उनको पता था कि ये मिलने वाला है नहीं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर इसका अधिकार ही नहीं है, बरगला रहे थे जनता को, बिल्कुल ये तो भरमाया जा रहा था बार बार, नीतीश कुमार का काम ही क्या है इधर से उधर करके कुर्सी पे बने रहना बस, चलिए तो नीतीश कुमार का काम ही क्या है इधर से उधर करके कुर्सी पर बने रहना, तमाम लोग था तमाम लोगों की बातों का बलों सुना, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सरकारें आती है सिर्फ नशा में चूर हो जाती है, सत्ता के नशे में चूर हो जाती है, सिर्फ उसे अपना काम दिखाई देता है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, तमाम लोगों की बातों का बलों सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट्स बॉक्स में जवाब जोड़ दीजिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।